हेलो प्लस टू क्लास, अपना आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट करती है, ये थोड़ा पिछली वीडियो से समझा चुके हैं। हुन अपा इस बार मैग्नेट दी एक्सियल लाइन ते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अपने को एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट दे एक्सियल लाइन ते, दिस इज एक्सिस ऑफ बार मैगनेट, तो यह एक्सियल लाइन होगी। ठीक है, जी एक्सिस दे विचों दी लाइन लगती है, दैट इज एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन ते एक पॉइंट है, उस पॉइंट ते आप एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल सपोज कर लेने। ठीक है, इस पॉइंट ते एक नॉर्थ पोल पे है। वैसे देखो मैगनेट दे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमेशा पेयर च एग्जिस्ट करते हैं, जिथे नॉर्थ पोल होएगा उथे साउथ पोल होएगा ही, इसे करके क्या है हाइपोथेटिकल। ठीक है, इथे जी आप नॉर्थ पोल रखांगे तो यह नॉर्थ पोल इस बार मैगनेट करके किन्नी मैगनेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ फील करेगा। ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इस अपने को फर्स्ट केस है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट, राइट। इस बार मैग्नेट दी आप लेंथ सपोज कर लेने हैं 2L है, दिस लेंथ 2L, यह दो पोल है, इन्हें स्ट्रेंथ है M, सेंटर है O, M मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, राइट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट लई जे तुसी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लो, तुहानू समझ आ जाएगा व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। दिस एम इज इक्वल टू ईदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये जिस तरह तुसी इलेक्ट्रिक डाइपोल च पढ़ के आए हो उसी तरह है। यह पी पॉइंट है, ओ ते पी पॉइंट दी डिस्टेंस है डी, ओ पी इज इक्वल टू डी। ठीक है, ओ तो लेके पी तक दी डिस्टेंस डी है। हुन आपां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी कढ़ना है ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू साउथ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, राइट। ये क्लियर हो गया, आपा डिस्टेंस ओ तो लेके पी तक दोबारा शो कर दें कि यह डिस्टेंस डी है। हुन ओ जे सेंटर है, टोटल डिस्टेंस एल है, देन दिस डिस्टेंस ओ तो लेके एन तक यह होएगी L, एंड O तो लेके S तक यह डिस्टेंस भी होएगी L, राइट। 2L का सेंटर O है, O तो S तक डिस्टेंस L, O तो N तक डिस्टेंस L। एथ तक क्लियर है? नाउ मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू एन, एन मतलब नॉर्थ पोल, दैट बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट फोर पाई एम अपॉन, हुन इस टाइप डिस्टेंस लेनी है पी तो लेके एन तक की डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, दिस एन पी, वट विल बी दिस एन पी, टोटल डिस्टेंस डी, दिस मच डिस्टेंस इज एल, सो एन पी की डिस्टेंस होएगी ओ पी की डिस्टेंस माइनस ओ एन की डिस्टेंस, ठीक है, मतलब टोटल डी चो आप एना क एल माइनस कर देंगे अपने कोल एन पी की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, एन पी का स्केयर। हुण आपां एन पी नूं इलैबोरेट भी करांगे। हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि आपां इत्थे यूनिट नॉर्थ पोल लै रहे हां, यूनिट मतलब इसकी वैल्यू वन है, सैकेंड आपां जिहड़ी स्ट्रेंथ लैनी है मैगनैटिक पोल की ओह वन लवांगे। देखो एन ते मैगनैटिक पोल की नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ एम है, बट इत्थे आपां हाइपोथेटिकल लिया है इस करके दी वैल्यू वन लवांगे। सो म्यू विल बी इक्वल बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी माइनस एल स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग एन पी, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी डायरेक्शन इस तरह हो गया। सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी ड्यू टू एस पोल, इस पॉइंट पी ते एस पोल करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इथे कितनी होएगी, इस नू सपोज कर लो बी डैश, बी डैश विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू एम इंटू वन, अगेन आप वन लवेंगे एस पी द स्क्वायर, डिस्टेंस आप लवेंगे एस तो लेके पी तक, क्योंकि इस पोल तो आप इस पोल तक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम, हुन एस पी की होएगा, दिस एस पी एथों लेके डिस्टेंस एथे तक डी है, ठीक है, आपां नाल ए वाली डिस्टेंस भी लेनी है, मतलब ओ तो लेके एस तक यह डिस्टेंस एल है, मतलब आपां डी प्लस एल करांगे। राइट, हुण इह साउथ पोल है तां मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन होएगी अलोंग पी एस, ठीक है, नॉर्थ पोल दी इस डायरेक्शन वाल हुंदी है, साउथ पोल दी दिस डायरेक्शन। हुण दो डायरेक्शन जिहड़ियां हैगियां ऑपोजिट हो गईयां, इत्थे आपां डिनोट भी कर दिंदे हां, इस पी पॉइंट तो इस डायरेक्शन च बी होगी एंड इस डायरेक्शन च बी डैश, ठीक है, ओपोजिट होगी, नेट इन्हां दा मैग्नेटिक फील्ड होएगा बी एंड दैट बी इस नूं बच्चे तुसीं बी वन सपोज कर लो, नैट जिहड़ा है मैगनैटिक फील्ड नूं बी वन सपोज कर लो, सो बी वन विल बी इक्वल टू बी माइनस बी डैश,
बी ए है या बी डैश ए है या ठीक है दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आप माइनस करनी है पहला बी वाली लिखनी है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन डी माइनस एल स्क्वायर माइनस दिस इक्वेशन एम अपॉन डी प्लस एल द स्क्वायर दिस टर्म एंड दिस टर्म कॉमन होगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एंड एम अपा ये कॉमन कट लिया ब्रैकेट दे विच रह गया वन माइनस डी माइनस एल स्क्वायर माइनस वन अपॉन डी प्लस एल स्क्वायर ठीक है यह थोनू याद आ रहा होना आप इलेक्ट्रिक डाइपोल च भी बिल्कुल सेम ऐसे तरह किया मैगनेटिक डाइपोल वाला भी इस तरह ही है सो बी वन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन फोर पाई हूँ आप इसनों सॉल्व करन जा रहे हैं डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस दा एलसीएम आ जाएगा ए माइनस बी दा होल स्क्वायर ए प्लस बी दा होल स्क्वायर ठीक है ए दा एलसीएम आ गया उपर डी प्लस एल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल स्क्वायर ठीक है म्यू नॉट एम अपॉन फोर पाई तुसी इसनु सॉल्व करके देखोगे ए प्लस बी दा होल स्क्वायर यह ए माइनस बी दा होल स्क्वायर है इसनु सॉल्व करके देखोगे अपने कोल आ जाएगा फोर एल डी बाकी सारी टर्म्स कैंसल हो जाएंगी ते नीचे अपने कोल है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दा होल स्क्वायर सो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम इंटू टू एल इंटू टू डी इस टर्म नू आपां थोड़ा रीअरेंज करके लिखता दिस फोर नू ठीक है एक फोर आप टू एल कोल रह गए एक आप डी को अलग लिखता डिनोमिनेटर च सेम डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दा होल स्क्वायर नाउ दिस एम इंटू टू एल इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट So we can write this 2m into d. ठीक है this is capital M magnetic dipole moment. d square minus l square the whole square. Right? जे magnet बहुत short है if magnet is short then l square is far less than d square ठीक है तो आप इस नू b1 नू की लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन डी क्यू ठीक है हूँ इस आप एल स्केयर नू इग्नोर करता एथे डी स्केयर द स्केयर डी फोर हो जाएगी डी फोर उपरली एक डी नाल कट हो जाएगी नीचे अपने कोल रह जाएगा डी क्यूब सो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट
एंड इस बी दी डायरेक्शन होएगी अलोंग एनपी. राइट, ये सीगा अपना आर्टिकल एक्सियल लाइन वाला. इस तुसी डेफिनेशन भी लिख सकते हो. ठीक है, और इस बार मैग्नेट तो सारा कुछ क्लियर शो करना है, सारे पॉइंट्स. ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है. सो थैंक यू बेटा.